नमस्कार मित्रों, ई लेक्चर्स की सीरीज में वित्तीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम बात करेंगे सीआरओ प्रोब्स। सीआरओ प्रोब्स क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? सीआरओ प्रोब्स किसी भी टेस्ट सर्किट को सीआरओ से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो एक केबल काम में ली जाती है या प्रोब काम में ली जाती है, उसे सीआरओ प्रोब। यहाँ डायग्राम में ये ऊपर फंक्शन जनरेटर है और ये सीआरओ है। तो इस फंक्शन जनरेटर के सिग्नल को, इसकी जगह टेस्ट सर्किट भी हो सकता है, इसके सिग्नल को और डिस्प्ले कराने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए एक केबल प्रोब सीआरओ प्रोब के द्वारा सीआरओ से कनेक्ट किया हुआ है। ध्यान क्या रखने वाली बात है कि सीआरओ प्रोब जो है, तो सीआरओ प्रोब ऐसी प्रोब होनी चाहिए जिससे टेस्ट सर्किट पे कोई लोडिंग इफेक्ट नहीं आए, यानी कि वहां पर लोडिंग इफेक्ट का कोई फैक्टर या इश्यू नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा तो उससे टेस्ट सर्किट का जो सिग्नल है वो प्रॉपरली सीआरओ की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लिया जाएगा, उसको मेजर कर लिया जाएगा। सीआरओ की जो प्रोब्स होती हैं उनकी मेन दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हाई इम्पीडेंस होना चाहिए सीआरओ प्रोब का और हाई बैंडविड्थ होनी चाहिए। सीआरओ प्रोब के अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो बीच में एक केबल होती है और केबल के आगे जो प्रोब हेड होता है, ठीक है, जहाँ पर एक टिप सा बना होता है वहाँ प्रोब टिप, उसके प्रोब हेड लगा होता है, और कोएक्सल केबल के दूसरी तरफ जहाँ पर सीआरओ से जोड़ा जाता है उस वहाँ पर टर्मिनेशन सर्किट होता है। तो जनरली अपन जो लेबोरेटरीज में प्रोब्स काम में लेते हैं, ये बीएनसी कनेक्टर है एक तरफ और ये लीड्स है, क्रोकोडाइल लीड्स है जो टेस्ट सर्किट से कनेक्ट किए जाती हैं। सेम इसी प्रकार की एक और प्रोब का टाइप है, ये बीएनसी कनेक्टर है एक तरफ और एक तरफ उसकी प्रोब की टिप है। तो और एक और टाइप का अपन ने केबल देखी है, ये बीएनसी टू बीएनसी कनेक्टर्स है, यानी कि ये आपकी प्रोब्स है। तो टाइप्स की अगर बात करते हैं तो जनरली चार टाइप्स के सीआरओ प्रोब्स होती हैं, पैसिव प्रोब, एक्टिव प्रोब, करंट प्रोब्स और हाई वोल्टेज प्रोब। सबसे पहले पैसिव प्रोब। पैसिव प्रोब इज मेड ऑफ लेंथ ऑफ कोएक्सल केबल विथ ए टिप एट वन एंड, यानी कि कोएक्सल केबल की बनी होती है, कोएक्सल केबल के एक सिरे पर टिप बनी होती है, एंड ए बीएनसी कनेक्टर एट अदर, और दूसरे सिरे पर बीएनसी कनेक्टर होता है। सो द प्रोब डायरेक्टली कनेक्ट्स द टिप टू द सीआरओ, यानी कि इस प्रोब को डायरेक्टली सीआरओ से कनेक्ट कर लिया जाता है। द शंट कैपेसिटेंस ऑफ द केबल इज टू बी कंसिडर्ड। जब इसको कनेक्ट करते हैं सीआरओ से तो वहां पर एक कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है 50 ओम के ऊपर उस कैपेसिटेंस की वैल्यू 30 पिकोफैरेड पर 0.3 मीटर लेंथ, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कितना कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करता है। तो इधर इस डायग्राम में, इसका जो सर्किट डायग्राम है उसमें शो किया हुआ है कि जब उसको सीआरओ से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर एक शंट कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो जाता है और शंट कैपेसिटेंस की जो मान है वो डिपेंड करता है कि उस की केबल की लेंथ कितनी है। तो फिर इसलिए क्या करते हैं, कंपनसेटिंग पैसिव प्रोब काम में ले जाती है। तो कंपनसेटिंग पैसिव प्रोब्स आर यूज्ड दैट हैव एन एटेन्यूएशन ऑफ 10 टू 1 ओवर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि अगर बहुत फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा है तो उस कंडीशन में कुछ एटेन्यूएशन काम में ले जाता है और वो 10 टाइम्स को 1 टाइम्स में कन्वर्ट कर देता है। सच ए प्रोब कंसिस्ट ऑफ एन एटेन्यूएटिंग रजिस्टर, तो उसके अंदर क्या होता है, एक एटेन्यूएशन रजिस्टेंस होता है शंटेड बाय ए स्मॉल वेरिएबल कैपेसिटर, और उसके समांतर क्रम में क्या होता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो इनपुट साइड के अंदर क्या करते हैं, एक रजिस्टर होता है और रजिस्टर के बीच में कैपेसिटेंस होता है। तो ये बेसिकली एटेन्यूएशन का काम कर रहा है जो सिग्नल को 10:1 रेशियो में कन्वर्ट कर देता है। इसका एक इसी प्रोब का इक्वेलेंट यहाँ दिखा रखा है
कि इसके कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये आगे की तरफ टिप होता है और ये एक बीएनसी कनेक्टर होता है, बीच के अंदर जो ये राउंड बता रखा है ये कोएक्सल केबल होता है, और इसके जो सिग्नल का जो एटेन्यूएशन है उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट टूल होता है। नेक्स्ट है एक्टिव प्रोब। पैसिव प्रोब और एक्टिव प्रोब में डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर पैसिव कंपोनेंट्स काम में लेते हैं, एक्टिव प्रोब में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज में किए जाते हैं। इफ द प्रोब हेड कंसिस्ट ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देन इट इज कॉल्ड एक्टिव प्रोब। तो इस प्रोब के लिए जनरली एफईटी और बीजेटी काम में लिया जाता है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे तो ये प्रोब की जो टिप है, प्रोब की टिप का मतलब हेड है, और लास्ट में जहां पर सीआरओ से कनेक्ट किया जाता है वो यहां पर कनेक्शन कनेक्टर टू सीआरओ, और उसके बीच के अंदर एफईटी सोर्स फॉलोअर और बीजेटी अमीटर फॉलोअर कैस्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, और फिर कोएक्सल केबल के द्वारा सीआरओ से कनेक्ट कर लिया जाता है। तो यहां पर एक्टिव कंपोनेंट है एफईटी और बीजेटी, इसलिए इसको एक्टिव प्रोब कहते हैं। तो द प्रोब हेड कंसिस्ट ऑफ एफईटी सोर्स फॉलोअर, और एफईटी में भी कौन सा काम में लिया है, सोर्स फॉलोअर इज कनेक्टेड विद बीजेटी अमीटर फॉलोअर, और बीजेटी में कौन सा लिया है, अमीटर फॉलोअर। अमीटर फॉलोअर का मतलब होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की तरह काम में लिया। तो एफईटी सोर्स फॉलोअर का क्या फायदा है, एफईटी सोर्स फॉलोअर प्रोवाइड्स हाई इनपुट इंपेडेंस एंड लो आउटपुट इंपेडेंस। तो ये हाई इनपुट इंपेडेंस और लो आउटपुट इंपेडेंस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इधर की तरफ अपन को लो आउटपुट इंपेडेंस चाहिए जब सीआरओ से कनेक्ट कर रहे हैं, और इनपुट की तरफ हाई इंपेडेंस चाहिए। तो ये एफईटी सोर्स फॉलोअर क्या कर रहा है, हाई इंपेडेंस टू लो इंपेडेंस प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। और अमीटर फॉलोअर का काम केवल और केवल एक बफर की तरह यूज में लिया जाता है, और ये इंपेडेंस मैचिंग की तरह काम में लिया जाता है, ताकि प्रीवियस वाली डिवाइस और आगे की जो डिवाइस है उनको इजीली मैच कर सके, तो उनके बीच का इंपेडेंस प्रॉपर्ली मैच हो सके। तो द पर्पज ऑफ बीजेटी एमिटर फॉलोअर इज दैट इट अवॉइड्स और इलिमिनेट द इंपेडेंस मिसमैचिंग। तो इंपेडेंस मिसमैचिंग की जो भी प्रॉब्लम होती है वो एमिटर फॉलोअर प्रोवाइड करा देता है। और इसके अलावा जो पार्ट्स रहे हुए हैं, द अदर टू पार्ट्स, मतलब इधर टिप वाला पार्ट और एक सीआरओ को कनेक्ट करने वाला पार्ट, तो यानी कि कोएक्सल केबल एंड टर्मिनेशन सर्किट रिमेन्स सेम इन बोथ एक्टिव और पैसिव प्रोब्स, यानी कि आगे का जो हिस्सा है केवल एक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काम में लिए हैं, और आगे का जो पार्ट है वो सेम वैसा का वैसा ही है जैसे पैसिव प्रोब्स के अंदर का। तो यहाँ पर एक एक्टिव प्रोब बता रखा है, तो उसके अंदर ये आपकी जो टिप होती है उस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सीआरओ से कनेक्ट करते हैं यानी कि बीएनसी कनेक्टर का टाइप का इस तरह का है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या काम में लिए गए हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काम में लिए गए हैं, इसलिए एक्टिव प्रोब कहलाती है। नेक्स्ट सीआरओ की प्रोब्स में करंट प्रोब। ठीक है, करंट प्रोब जनरली इंडक्टिव कपलिंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी टेस्ट सर्किट होता है उस टेस्ट सर्किट के जिस भी वायर के अक्रॉस पैरामीटर्स मेजर करने हैं, तो उस वायर को इस जो ये बीच में गैप दिखाई दे रखा है तो उससे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर टच नहीं होता है, केवल उस वायर को इसमें बीच में रख लेते हैं, और वायर में से जो करंट फ्लो होती है उस करंट को सेंसर्स के द्वारा सेंस कर लिया जाता है, और सीआरओ के द्वारा उसको मेजर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है ये एक करंट प्रोब है, इसका जो एक सिरा है, ये जो ये वाला सिरा है ये इसके बीच में कोएक्सल केबल है, तो इस सिरे को तो सीआरओ से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो दूसरा सिरा है उस दूसरे सिरे में बीच में एक होल सा बना हुआ है, उसके अंदर या यहाँ पर एक बटन होता है उसको दबाते हैं तो ये ओपन होता है और उसमें वायर चला जाता है। तो उस वायर में से करंट जो फ्लो होती है उस करंट को सेंसर्स के द्वारा सेंस करके और इस कोएक्सल केबल के होते हुए इस जो कनेक्टर होता है वो सीआरओ से अप्लाई कर दिया जाता है, और सीआरओ की स्क्रीन पे वो सिग्नल शो हो जाता है और उसके पैरामीटर्स अपन मेजर कर लेते हैं। तो ये करंट प्रोब्स हैं। सेम इसी प्रकार हाई वोल्टेज प्रोब्स होती हैं। हाई वोल्टेज प्रोब्स का मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा वोल्टेज वाले सिग्नल्स को मेजर करना है, तो उसके लिए अलग ही टाइप की प्रोब काम में ली जाती है जिसे हाई वोल्टेज प्रोब
कहते हैं। तो हाई वोल्टेज प्रोब कहाँ यूज मिलेंगे, ऑर्डर ऑफ किलो वोल्ट्स को अगर सीआरओ के द्वारा मेजर करना है तो वहां पर हाई वोल्टेज प्रोब्स काम में ले जाएंगे। और ए वोल्टेज डिवीजन ऑफ 1000 to 1 में भी यूज, यानी कि इसका वोल्टेज जो रेशियो है उसको 1000 टाइम्स को 1 टाइम्स में कन्वर्ट करके मेजर किया जा सकता है। द प्रोब हेड इज मेड ऑफ हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। तो प्रोब का जो हेड होता है वो इसके द्वारा बनाया जाता है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का बना होता है और इज ऑफ स्पेशल डिजाइन टू प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम शॉक्स। और इस तरह से डिजाइन की जाती है ताकि जो शॉक है सर्किट के अंदर, जो शॉक्स हैं हाई वोल्टेज के कारण, उससे यूजर्स या अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बचाया जा सके। थैंक यू सो मच।